बिग बॉस का वानर आई मीन विनर बंदरपुल एल्विस यादव नहीं कहूंगा क्योंकि यादव बहुत रिस्पेक्टेड शब्द है मेरे लिए, एल्विस लोगों को विष पिलाते हुए पाया गया, सांप अस्तिन का सांप निकला, ये बताइए एल्विस को जो नौजवानों को बरगलाता है, समाज का करता है बिग लॉस, उसे विनर बनाता है ये टीवी का प्रोग्राम, सड़ा हुआ प्रोग्राम बिग बॉस, है ना? शर्म आनी चाहिए। मतलब जो दुनिया की नज़र में अपराधी है वो आपकी यादी में है, हाँ, जो क्रिमिनल है वो आपका फाइनल है, हम? कितनी शर्म की बात है। मतलब नाम में विश है, इसका मतलब एल्विश, कलंकार लोग हैं ये लोग। यही वजह है कि अच्छे और सच्चे कलाकार बेचारे सोशल मीडिया पे व्यूज़ नहीं पा पाते, और ये उल्टी सीधी हरकत करके नंगा नाच के या उल्टा सीधा काम करके व्यूज़ भी पा लेते हैं, और इनके व्यूज़ को देख के टेलीविज़न वाले बड़े खुश होते हैं, अरे इतने लोग इनको चाह रहे हैं। अरे भाई असामाजिक तत्व भाई है, दे आर एज गुड एज आतंकवादी, जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। मिल गया ना जहर पिलाते यास्तीन का सांप, इसको आपने विनर बनाया था, कमाल है यार, है ना? ऊपर से एक नंगी औरत उर्फी जावेद, उसे भी शर्म नहीं, उसको भी पुलिस ने आकर पकड़ लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी वो चाहते हैं कि ऐसा हो उनके साथ में, ताकि पब्लिसिटी मिले, क्योंकि नंगे से तो भगवान भी डरता है, इंसान तो क्या कर लेगा। मतलब कमाल हो गया ना, कैसे कैसे लोग इस सोशल मीडिया पे स्टार बन रहे हैं और उनको बनाया जा रहा है, उनको न्यूज़ और भांड मीडिया वाले से मैं कहूँगा कि ज़रा भांड रखें इस बात का कि कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन स्टेज पे, कौन फिल्मों में मेहनत कर रहा है, उनको बढ़ाओ ना भाई, अपने पॉडकास्ट में उनको बुलाओ ना। लेकिन नंगी नंगी गालियाँ देने वाले, कॉमेडी के नाम पर, स्टैंड अप के नाम पर हरामीपन करने वाले लड़के और लड़कियों को तुम प्रमोट कर रहे हो, लड़के तो है ही हरामी, लड़कियाँ दर हरामी है, इतनी नंगी लड़कियाँ हैं जिसमें से एक है ये उर्फी जावेद। मतलब नंगा घूम के तुमने खुद को वेस्ट किया है, इसलिए पुलिस ने तुमको अरेस्ट किया है, अरे उर्फी बहन कपड़े पूरे पहन, तू है कलंक उर्फी तू नल्ली, अरेस्ट हो गई तू, अरेस्ट हो गई, तेरा दिमागी इलाज होगा, और तू समाज की जो महिलाएं, जो सिंपल जो पुलिस महिलाएं जो तुझे गिरफ्तार करने आई थी, उन महिलाओं का अपमान कर रही है। लड़कियां मेहनती हैं, पढ़ी लिखी है, अपनी जिम्मेदारी को जवाबदारी को समझती है, चाहे कम पढ़ी लिखी भी लड़कियां हो ताकि वो भी अपना काम करती है। पुलिस वाली लड़कियां देखो, सलाम है उन लड़कियों को। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी हैं, उन्होंने अपनी जीवन को किस तरह से जिया है, तब जाके आज उच्च मुकाम पर पहुंचे, देश के सबसे बड़े उच्च मुकाम पर आज एक महिला है, और ये उर्फी और वो एल्विश विश कहीं का। भैया ऐसे लोगों को प्रमोट करना छोड़िए, नहीं तो देश और समाज तबाह हो जाएगा। और ओटीटी जो जिन लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नंगे लोगों को गाली गलौज देने वाले आलतू फालतू लोगों को, कीड़े मकोड़ों को जो तुम प्रमोट करते हो, इनमें से किसी की औकात नहीं कि एक टैलेंटेड आदमी के सामने खड़े भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी बेशर्म की वजह से, तुम्हारे भांडगिरी की वजह से आज इन लोगों को टेलीविज़न भी मिलता है, और उन टेलीविज़न वालों को भी श्राप लगेगा, जल के राख हो जाएगा उनका वो चैनल, बंद हो जाएगा। और इन लोगों को जहाँ पुलिस का मैं सही सलाम करता हूँ, लव यू सर, पुलिस वालों को सलाम करता हूँ कि इनको पकड़ पकड़ के ना, इनको पहले तो उल्टा पकड़ के मारो इन लोगों को, जो जो गालियाँ देता है समाज में, नंगापन करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, बहुत मारो इन लोगों को, बहुत मारो, इनकी हड्डी तो सूज जानी चाहिए। बहुत बहुत दुआ है मेरे को इन दोनों के लिए, और इनका कभी कुछ नहीं होगा, समाज का जो बुरा करता है वो देशद्रोही होता है, और मेरी नज़र में इनको देशद्रोह के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहिए। जय हिंद।